लुकास हाइम को इस पल के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। वो फिलहाल अपनी कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं। आज वो एरिजोना के गुड ईयर से ग्रैंड कैनियन की ओर उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका की यूरोपियन फ्लाइट एकेडमी में 26 साल के लुकास करीब 100 अन्य ट्रेनीज के साथ छोटा विमान उड़ाना सीख रहे हैं। भविष्य में वो जर्मनी की सबसे बड़ी एयरलाइन लुफ्थांसा के यात्री विमान उड़ाना चाहते हैं और यात्रियों को दुनिया के हर महाद्वीप तक ले जाना चाहते हैं। हम यहाँ करीब एक महीना और रहेंगे, ट्रेनर के साथ उड़ान भरेंगे ताकि बाद में अकेले उड़ान भरने के लिए खुद को तैयार कर पाएं। और ये अनुभव कमाल होता है। इस अहम उड़ान के बाद हम सिमुलेटर में जाएंगे और उड़ान का तरीका सीखेंगे। 3 साल पहले हालात बिल्कुल अलग थे। कोविड महामारी के दौरान लुफ्थांसा ने अपने नए पायलटों की ट्रेनिंग रोक दी थी। दुनिया भर में विमानन क्षेत्र थम गया था। ये साफ नहीं था कि कब पायलटों की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी भी या नहीं। लुकास का पायलट बनने का सपना हकीकत से दूर नजर आ रहा था। ये साफ नहीं है कि हमें ट्रेनिंग के बाद नौकरी दी जाएगी। ये अच्छी संभावनाएं नहीं हैं। आखिरकार हमारे टेस्टों को भविष्य में मान्यता नहीं मिलेगी। वे इसकी गारंटी नहीं देते जैसा मैं समझता हूँ। इसका मतलब है कि आपने 1.5 साल तक एक लक्ष्य पर काम किया लेकिन आखिर में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कैरोलिन बोइजनर भी नहीं जानती थी कि क्या होगा। लाइप्ज़िग में रहने वाली कैरोलिन अमेरिका के एक फ्लाइट स्कूल में थी जब उन्हें ट्रेनिंग रुकने की बात पता चली। उन्हें गुजारा चलाने के लिए अमेज़न में नौकरी करनी पड़ी। उनका मकसद था किसी भी तरह अपनी पायलट ट्रेनिंग पूरी करना, भले ही अपने दम पर। इससे उबरना आसान नहीं है। ऐसे शख्स के लिए जो वाकई इसे चाहता है, ये सपना खत्म होने जैसा है। किसी वक्त पर मैं वाकई कॉकपिट में बैठना चाहती हूँ, लेकिन तब तक मुझे लगता है जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और तो क्या ही रास्ता है। 3 साल बाद आज कैरोलिन अपना सपना जी रही हैं। वो दिग्गज लॉजिस्टिक कंपनी DHL के साथ 4 महीने से फ्लाइट उड़ा रही हैं। बतौर को पायलट वो लाइप्ज़िग से अफ्रीका और तमाम यूरोपीय इलाकों तक माल पहुँचा रही हैं। गुड ईयर में लुकास हाइम 2 घंटे लंबी फ्लाइट से लौटे हैं। लैंडिंग से पहले उन्हें बड़े ध्यान से रफ्तार, हवा, दूरी और ऊंचाई का फिर से सटीक अनुमान लगाना होगा। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर उसी वक्त दखल देते हैं जब कोई गलती होने का खतरा दिखता है, लेकिन आज सब ठीक रहा। लुकास बिना परेशानी के लैंड कर पाए। और वाकई मुश्किल परिस्थितियों की प्रैक्टिस लुकास सिमुलेटर में करते हैं। अगला लक्ष्य है एक और फ्लाइट। लुकास जांचते हैं कि रडर, लैंडिंग गियर और लाइटें ठीक से काम कर रही हैं या कहीं कोई परेशानी है। कई बार एक ही दिन में उन्हें 3 बार उड़ान भरनी होती है। ये बहुत खास है। आप हर रोज इस बारे में सोचते हैं। अब चूंकि हम उड़ान के आदि हो रहे हैं, हम जानते हैं कि ये साधारण नहीं है। आप इसे लोगों में और हम यहाँ जो करते हैं उसमें पाएंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लुकास हाइम अपनी ट्रेनिंग 2025 की शुरुआत तक पूरी कर पाएंगे और दुनिया भर में फिर यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे।